हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले आज की डेट में जिस कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं उन कंपनियों से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे एंड देखेंगे एग्जैक्टली उनके नंबर्स किस तरीके से आए। और कुछ मल्टीपल कंपनीज के नंबर आने अभी बाकी रहे हैं, ओके, अभी तक आए नहीं थे, बट जिन भी कंपनी के नजर आए हैं 6 कंपनीज के नंबर हमने चुने हैं, तो उससे रिलेटेड बातें करेंगे। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे। एज वेल एज अगर बात करें आज की डेट की, तो आज की डेट में भी एक वीडियोस अभी डल चुकी है, यहाँ पर उसके नंबर आए और काफी बेहतरीन नंबर आते हुए दिखाई दिए। 20 रुपए का डिविडेंड, और वो कंपनी हर 6 साल में डिविडेंड बोनस देती है, तो दोबारा बोनस देने का उसका टाइम आ गया है, तो इसलिए इसकी तरफ नजर रखिएगा। फार्मा की सबसे दिग्गज यहाँ पर कंपनी नजर आती है। तो आइए वीडियो की तरफ, तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पहले सनफ्लेक्स स्टील। अगर बात करें, काफी शेयर इसका पॉपुलर भी रहा है, काफी भागा भी है इसका शेयर। और अगर बात करते हैं यहाँ पर इसके रिजल्ट से रिलेटेड, तो आई डोंट थिंक सो यहाँ पर कुछ डिविडेंड वगैरह से रिलेटेड कुछ ऐलान हुआ है, बट अगर कुछ ऐलान हुआ होगा तो काइंडली प्लीज यहाँ पर कमेंट करके आप बताइएगा। हम यहाँ पर सीधे नंबर की ओर रुख करेंगे और इसके एक बार नंबर देखेंगे कि इसके नंबर किस तरीके से आते हुए दिखाई दिए। अगर बात करें इसके नंबर की, तो इन लैक्स में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये इस क्वार्टर के रिजल्ट है, ये लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट है, और लास्ट ये Q4 के ही रिजल्ट है, बट ये लास्ट ईयर के रिजल्ट है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, अगर हम देखते हैं तो ये 55,736 लाख रुपीज, से पहले 65,000 था, इससे पहले 41,000। तो ईयरली बेस पे तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है, बट अगर बात करें क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर गिरावट दिख रही है, जो कि अच्छी बात नहीं होती किसी भी कंपनी के लिए। कंसिस्टेंसी अगर दिखाए ईयरली और क्वार्टरली बेस पे, तो समझ जाना कि आप बेहतरीन कंपनी में हैं और अच्छे खासे रिटर्न उसमें फ्यूचर में ही मिलते नजर आएंगे। टोटल एक्सपेंस की बात करें तो 48,000 लाख रुपीज का यहाँ पर टोटल एक्सपेंस इस बार का हुआ है, 59,000 इससे पहले था और 39,000 इससे पहले था। Q4 की बात करें तो यहाँ पर ईयरली बेस पे तो यहाँ पर एक्सपेंस बढ़े, बट क्वार्टरली बेस पे एक्सपेंस भी कम हुए। तो अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर 7,251 लाख रुपीज, इससे पहले था 4,696, इससे पहले 4,391। तो बात करें ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली, यहाँ पर दोनों बेसिस पे कंपनी ने अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। और यहाँ पर देखें तो ईपीएस यहाँ पर ईयरली और क्वार्टरली बेस पर डबल होता हुआ लगभग नजर आ रहा है, तो इस कंपनी की तरफ नजरें बना के रखिएगा। और बाकी यहाँ पर स्टील की कंपनी है, आयरन एंड स्टील, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान भी दीजिएगा, सीजनल वाइज यहाँ पर चलते हैं। बाकी नंबर अच्छे आए हैं, तो शायद कल की डेट में यहाँ पर ये भागता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अगर बात करें डी लिंक की, तो डी लिंक आपको पता ही है, पीएलआई स्कीम्स एज वेल एज डी लिंक के यहाँ पर मॉडम्स वगैरह हार्डवेयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स मिलते हुए दिखाई देते हैं। डिविडेंड की बात करें, 1.80 रुपए का यहाँ पर डिविडेंड देते हुए कंपनी नजर आई है, और इसके नंबर अगर हम देख लेते हैं इन लैक्स में ही है यहाँ पर। ये इस बार के रिजल्ट है Q4 के लास्ट ईयर के। टोटल इनकम की बात करें तो 20,996 लाख रुपीज, इससे पहले 20,202, इससे पहले 16,306। तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर जंप नजर आ रहा है, यहाँ पर इनकम में रेवेन्यू में, एज वेल एज बात करें टोटल एक्सपेंस की, तो 19,718 लाख रुपीज इस बार के एक्सपेंस है, इससे पहले 18,948 था, इससे पहले 15,580। तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर एक्सपेंस भी बढ़ता हुआ हमें साफ नजर आ रहा है। और अगर बात करते हैं यहाँ पर टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, आफ्टर टैक्स अगर देने के बाद जो बचता है, तो 939 लाख रुपीज, इससे पहले 931 था, इससे पहले 859। तो बात करें ईयरली बेस पे यहाँ पर जंप है प्रॉफिट में, बट क्वार्टरली बेस की बात करें तो यहाँ पर गिरावट है, या फिर फ्लैट भी कहे तो कोई बुरी बात यहाँ पर नहीं होगी, बट ईयरली बेसिस पे यहाँ पर प्रॉफिट ज्यादा मायने रखता है, तो वहां पर इसने अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाया है। बाकी आगे चल के जिस तरीके से इंडिया ग्रो हो रहा है और पीएलआई स्कीम्स का फायदा भी मिलेगा, और इंडिया मतलब अपनी ही जो कंपनी है इंडिया की, तो उन्हें प्रमोट करने में ज्यादा लगा हुआ है, तो शायद आगे चल के ये शेयर भागते हुए दिखाई दे सकता है। 2.62 रुपए का ईपीएस दोनों टाइम का है, और 2.42 रुपए, मतलब तीनों टाइम लगभग सेम ही यहाँ पर ईपीएस नजर आ रहा है। बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की, शेयर काफी भागा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं गिरा था फिर उसके बाद भागते हुए नजर आया, बट यहाँ पर मैंने पॉपअप पढ़ा था, मींस नोटिफिकेशन आया था कि रिजल्ट अच्छे नहीं आए, बट एक बार देख लेते हैं कि इनके रिजल्ट कैसे है। बट एक चीज बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर इनका बोर्ड कंसिडर कर रहा है और अप्रूव रेजिंग ऑफ एडिशनल कैपिटल अप टू, मतलब 500 करोड़ से लेकर 200 करोड़ रुपए तक, यहाँ पर 500 करोड़ कंपोजिंग ऑफ 200 करोड़ ऑफ कॉमन इक्विटी कैपिटल, मतलब 500 करोड़ का यहाँ पर ये मतलब यहाँ पर मनी यहाँ पर रेज करने की ये कोशिश कर रहे हैं कंपनी, यहाँ पर बैंक बात करे तो। इन लैक्स में रिजल्ट है,
अगर बात करते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि बैंक के लिए देखिए बैंक आपको आपसे पैसा लेती है ओके, और आपको पैसा मतलब आपके डिपॉजिट की जगह आपको क्या देती है, इंटरेस्ट। तो उसका जो मेन बिजनेस है वो इंटरेस्ट ही है, क्योंकि वो अगर बाद में बाहर लोन भी देती है तो लोन से वो इंटरेस्ट कमाती है। दैट इज द प्रॉपर बिजनेस ऑफ एनी बैंक। तो अगर बात करते हैं तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना अर्न हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इंटरेस्ट इनकम तो 1,17,000 यहाँ पर, सॉरी 11,74,850, इससे पहले 12 लाख था, इससे पहले 13 लाख था। तो इंटरेस्ट इनकम में यहाँ पर गिरावट नजर आ रही है ईयरली क्वार्टरली बेस पे, इस चीज को ध्यान में दीजिएगा। बाकी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और दूसरे सब चीज को लगा के बात करें तो टोटल इनकम इनकी 21,53,291 लाख रुपीज से 20 लाख था, इससे पहले 21,53,310 था। मतलब ईयरली बेस पर लगभग फ्लैट है और क्वार्टरली बेस में यहाँ पर जंप नजर आ रही है प्रॉफिट में। दैट इज अ गुड, मतलब इनकम में रेवेन्यू में, जो कि अच्छी बात है। अगर बात करते हैं यहाँ पर प्रॉफिट एक्सपेंस की कि टोटल एक्सपेंस कितना हुआ, क्योंकि वो भी मायने रखता है, तो इस बार 1,52,600 सॉरी 15,26,731 लाख रुपीज का एक्सपेंस हुआ है, इससे पहले 15,32,33,339 था, इससे पहले 16,61,000 के लगभग यहाँ पर एक्सपेंस नजर आ रहा था। तो एक्सपेंस यहाँ पर ईयरली बेस पर कम हुआ है और क्वार्टरली बेस पर भी थोड़ा बहुत कम होता हुआ नजर आया है। तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड तो यहाँ पर नेगेटिव में परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखा रहा है। इससे पहले एक मतलब 1,06,111 का प्रॉफिट था, इससे पहले 50,000 का प्रॉफिट था। तो यहाँ पर ईयरली क्वार्टरली बेस पर कंपनी को मतलब लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं 1,04,650 लाख रुपीज का यहाँ पर नेगेटिव में दिखा रखा है। तो क्या रीजन हो सकता है, देखिए तो यहाँ पर प्रोविजनिंग की बात करें तो प्रोविजनिंग तो ईयरली बेस पे यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दी है, जो कि आप देख सकते हैं लगभग 3,58,603 है ईयरली बेस पे भी। क्वार्टरली बेस पे भी बात करें यहाँ पर तो वो भी थोड़ा बहुत कम दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पर बात करें यहाँ पर ये फ्रॉम अदर ऑर्डिनरी एक्टिविटीज बिफोर टैक्स, तो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से यहाँ पर जो ये यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्सेस में प्रोविजन ये ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। प्रोविजन फॉर टैक्सेस तो यहाँ पर देख लीजिए 3,32,000, इससे पहले इसके बस 57,000 था, इससे पहले नेगेटिव में था। तो दिस इज द रीजन कि यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट है, बैंक का प्रॉफिट आया है वो नेगेटिव आया है, एज वेल एज ईपीएस की बात करें वो भी नेगेटिव ही है। और यहाँ पर बात कर लेते ग्रॉस एनपीए की ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए ग्रॉस एनपीए परसेंटेज के फॉर्म में तो इस बार 8.87 है, इससे पहले 8.48 था, इससे पहले 9 था 9.4। तो ईयरली बेसिस पे तो यहाँ पर एनपीए घटता हुआ नजर आ रहा है और क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा यहाँ पर स्लाइटली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ग्रॉस एज वेल एज नेट एनपीए दोनों की बात यहाँ पर हो रही है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा से अच्छा है यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर की तरफ बने रहिए, आपका पैसा यहाँ पर सेव रहेगा। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर एफएल इंडिया सबका चहेता स्टॉक है। आपको बताइए किस तरीके की रैली से शेयर ने बनाई है और किस तरीके से शेयर ने अच्छा खासा यहाँ पर गेन एज अ अगर बात करें परफॉर्मेंस किस तरीके से दी है, वो किसी से छुपी नहीं है। अगर बात करते हैं इसके रिजल्ट की तो इसके रिजल्ट आपके सामने हैं। अगर बात करें अमाउंट इन मिलियंस है, रुपीज इन मिलियंस यहाँ पर इस क्वार्टर का, ये Q3 का, ये Q4 का लास्ट ईयर का। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 758 मिलियन से रुपीज, से पहले 785 था, इससे पहले 473। तो ईयरली बेस पे यहाँ पर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है यहाँ पर, बट क्वार्टरली बेस पे स्लाइटली यहाँ पर गिरावट नजर आ रही है। टोटल एक्सपेंस की बात करें 598 लाख रुपीज, से पहले 695, इससे पहले 381। तो ईयरली बेसिस पे तो यहाँ पर एक्सपेंस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बट क्वार्टरली बेस पे एक्सपेंस कम होते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग लगभग बात करें 97 मिलियन रुपीज। अगर बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो यहाँ पर देख लेते हैं प्रॉफिट टैक्स वगैरह देने के बाद कितना बचता है, तो 106 मिलियन से रुपीज का प्रॉफिट है, इससे पहले 66, इससे पहले 67 मिलियन से रुपीज था। तो कंपनी ने ईयरली और क्वार्टरली बेस पे अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाया है। दिस इज द रीजन कि इसका शेयर भागता हुआ नजर आ रहा है और कल की डेट में मंडे को जब मार्केट ओपन होगी तो शायद और अच्छा भागता हुआ शेयर नजर आएगा। बेसिक ईपीएस की बात करते हैं 4.19 रुपए का ईपीएस है, इससे पहले 2.62 रुपए का था, इससे पहले 2.70 रुपए का। तो ईपीएस भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहा है, तो इस कंपनी की तरफ हमेशा ध्यान दीजिएगा। बाकी कुछ और पैरामीटर भी होते हैं बैलेंस शीट में देखने के लिए, तो वो भी आपको डेफिनेटली देखने चाहिए। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर और भी कुछ चीजों की, तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर एक कंपनी है एडवांस एंजाइम, जिसका शेयर काफी भागता हुआ नजर आया था। तो ये कंपनी करती क्या है, तो ये मल्टी विटामिन वगैरह बनाती है, तो इस चीज को आपको थोड़ा सा देखना होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एज वेल एज ये शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये कंपनी एनिमल्स के भी न्यूट्रिशंस बनाती हुई दिखाई देती है। डिविडेंड की बात करें 90 पैसे का यहाँ
पर कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है। शेयर पिछले, अगर बात करें, पिछले 10 दिन में काफी भागता हुआ, 10 से 15 दिन में भागता हुआ भी नजर आया। और यहाँ पर इनके रिजल्ट आपके सामने हैं, इन मिलियंस में ही इनके रिजल्ट हैं। और यहाँ पर देखते हैं टोटल इनकम तो 1348 मिलियन, इससे पहले 1390, इससे पहले 1121। तो ईयरली बेस पर जंप है, क्वार्टरली बेस पर स्लाइटली यहाँ पर गिरावट है। टोटल एक्सपेंस की बात करें 871, इससे पहले 781, पहले 690 मिलियन से रुपीज था। तो ईयरली क्वार्टरली बेस में यहाँ पर एक्सपेंस ही बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है और जो कि प्रॉफिट में यहाँ पर दिखाएगा। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें गिरता हुआ नजर आ रहा है क्वार्टरली बेस पे। तो यहाँ देखिए 337 मिलियन रुपीज का यहाँ पर प्रॉफिट है, इससे पहले 443 था, इससे पहले 326। तो अगर बात करें ईयरली बेस पे तो फ्लैट ही है, क्वार्टरली बेस पे गिरावट यहाँ पर नजर आ रही है। और ईपीएस से भी आपको पूरी कहानी पता चल जाएगी। 2.84 रुपए का ईपीएस इस बार का है, 3.86 रुपए का इससे पहले था, और 2.81 रुपए का इससे पहले यहाँ पर ईपीएस था। तो यहाँ पर बात करें कंपनी की, तो एडवांस एंजाइम थोड़ा सा यहाँ पर देखिए बस जंप नजर आती है, बाकी एडवांस एंजाइम से थोड़ा सा दूर रही है। एज वेल एज बात करें यहाँ पर एफएल इंडिया की, काफी बेहतरीन यहाँ पर रिजल्ट पेश करे हैं। एज वेल एज यहाँ पर बात करें, यहाँ पर इसे छोड़ दीजिए, यहाँ पर इसके रिजल्ट आए नहीं है शायद। बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर देखिए, इसके रिजल्ट नेगेटिव में आते हुए दिखाई दिए, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोविजनिंग इन टैक्स। एज वेल एज अगर यहाँ पर देखते हैं इस कंपनी के डीलिंग के रिजल्ट अच्छे खासे हैं। और बात करते हैं यहाँ पर सनफ्लैग, इसके भी रिजल्ट अच्छे खासे हैं। तो यहाँ पर 5 कंपनी के रिजल्ट आपको सामने पेश किए थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, कौन से शेयर आपके पास है वो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और हमारे चैनल को जितना हो सके दूसरों के साथ भी शेयर करिए। बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।